नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी हिस्ट्री चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है अभिलेख, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और अभिलेख का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एपिग्राफी अर्थात हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। अभिलेखों को समझना इतना सरल नहीं है। जैसे आप अगर ये समझते हैं कि कहीं कोई अभिलेख मिले और मैं उसका पढ़ करके अर्थ लगा लूं, ऐसा नहीं है। अभिलेखों के ऊपर जो लिपि होती है वो प्राचीन होती है और जो भाषा होती है वो भी आज जैसी आपकी हिंदी और इंग्लिश जैसी नहीं होती। इसके अलावा भाषा के अंदर जो अर्थ होते हैं वो भी आज के अर्थ वाले अर्थ नहीं होंगे, बल्कि भाषा का सैकड़ों हजारों सालों में विकास हुआ है तो हजारों वर्ष पूर्व जिस समय का वो अभिलेख है उस शब्द का क्या अर्थ रहा होगा। इसलिए अभिलेखों के अध्ययन करने वाले अध्यर्थी को इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे लिपि में किसका अर्थ क्या है, उस समय की भाषा का अर्थ क्या था और उस समय किस शब्द का क्या अर्थ होता था। जैसे ही हम आज के अर्थ को लेते हैं, इसका मतलब है कि हम इतिहास के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इतिहासकार आज में जी रहा होता है और वो आज का ही अर्थ लेता है। तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है और कहां कहां हमें किस किस शासक के अभिलेख मिले हैं, खासकर प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये अशोक द्वारा लिखे गए एक शिलालेख का भाग है। शिलालेख अर्थात शिला पर लिखा गया अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। वैसे अभिलेख बहुत से शिलाओं पर और बहुत से हार्ड सरफेस पर, कई बार पहाड़ का एक टुकड़े को तराश करके बिल्कुल गोलाकार बना करके एक पिल्लर नुमा आकृति दी जाती थी और फिर उस पर लिखा जाता था। जैसे जो अशोक का साम्राज्य और राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र के पास चुनार नामक एक जगह पर बलुआ पत्थर मिलता था, जो आप आमतौर पर लाल बलुआ पत्थर देखते हो, जैसे लाल किले का पत्थर है। इस तरह के पत्थर चुनार की जगह से मिलते थे और गंगा नदी में डाल करके नावों के अंदर रख करके वो पत्थर लाए जाते थे और उन्हें तराश करके और उन पर अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवा कर साम्राज्य की अलग अलग जगह जहाँ जहाँ नदियों से पहुँचा जा सकता था वो स्तंभ भेजे जाते थे। तो कई तरह के मिलते हैं, जैसे शिलाओं पर मिलते हैं तो उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। लघु शिलालेख अर्थात वो लेख तो है पर वो छोटे लिखे गए हैं, इसलिए उन्हें लघु शिलालेख कहते हैं। इसके अलावा चलिए ये आप यहाँ पर मानचित्र देखिए, जिससे आपको पता चलेगा। हाँ, ये जो आपको त्रिभुजाकार ट्रायंगल में जो आकृति नजर आ रही है वहाँ सब जगह पर शिलालेख है। जैसे कि इस आकृति को ऐसा ही बनाया गया है क्योंकि शिला अर्थात पहाड़ी के ऊपर इसे लिखा गया है। किसी न किसी पहाड़ी स्थान पर इसे लिखा गया है जहाँ से कोई रास्ता होता था और उसी के आसपास, जैसे ये कंधार में है आज के अफगानिस्तान में, जो बोलन दर्रा जहाँ से जाकर के एंट्री मारता है भारत से अफगानिस्तान में, तो वहीं पर ये है। तो ये मेन रास्ते पर हुआ। ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में है और ये कालसी आज के हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो ब्लू कलर का जो राउंड है, सर्कल है, ये है स्तंभ लेख का, अर्थात यहाँ पर पिलर थे, शिला नहीं बल्कि पिलर। ये चीज़ समझने की है। इसी तरह से मेरठ में भी पिलर मिला है और बैराट जो कि आज अलवर में है, बैराट जो किसी समय में इसका नाम विराट नगरी होता था और विराट का शासन होता था जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था, वो यही विराट नगरी आज का राजस्थान में अलवर जो कि जयपुर के पास है। ये जितनी भी जगह आपको सारनाथ, हरोर, सहसराम, ये जितनी भी लोरिया, नंदगढ़, ये रामपुरवा, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे स्तंभ लेख है। रामपुरवा से एक नंदी अर्थात बेल की आकृति भी मिली है जो अब राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है
और जो सारनाथ में जो स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है वो आज हमारे देश का राज चिन्ह है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो पीठ लगाए हुए जो शेर है। इसी तरह से आप यहाँ पर आओगे जोगढ़, जो कलिंग क्षेत्र जो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जीता था, यहाँ पर भी एक शिला पर लेख लिखवाया था। इसी तरह से गिरनार का हमने जिक्र किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य बाद में एक शक शासक ने भी यहाँ पर एक डैम का तटबंध बनाया था, और इसकी चर्चा हुई थी कि उसने किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया था और जनता के लिए अर्थात किसान उससे फिर सिंचाई कर सकते थे। और यहाँ पर जब आप दक्षिण भारत में आते हो तो आपको ये ज़्यादातर लघु शिलालेख नज़र आते हैं, और इससे नीचे आपको ये जो लघु शिलालेख वगैरह नज़र नहीं आते। तो ये माना जाता है कि दक्षिण भारत के ये जो छोटे छोटे साम्राज्य और राज्य थे, यहाँ पर अशोक का साम्राज्य नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोबारा फिर इसी मानचित्र पर हम आएंगे। यहाँ पर आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो शिलालेख है ये कंधार जो आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में है वहाँ पर लगाया गया था। शिलालेख का मतलब शिला पर लिखा गया था। और यहाँ पर आपको खास बात एक नज़र आएगी इस शिलालेख में कि ये शिलालेख यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाषा में लिखा गया है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी भाषा में लिखा गया है। ये सबसे गजब की और महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टि से चीज़ है। और आपने इस पाठ की शुरुआत में जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना होगा। तो हजारों सालों पहले जब अशोक ने इन अभिलेखों को लिखवाया, शिलालेखों पर लिखवाया, उसके बाद में मानव जो सभ्यता थी भारत में वो ये भूल चुकी थी कि ये जो बर्मी, क्रोष्टी और यूनानी लिपि है ये कैसे लिखी जाती थी। तो इस कारण से अभिलेख दिखाई देते थे लोगों को, लेकिन सब यही मानते थे कि पता नहीं इन पर क्या लिखा गया है। तो जैसे ही ब्रिटिश भारत में आए, उन्होंने आते ही 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करें। और बहुत से ब्रिटिश सेना के अधिकारी जब इधर उधर घूमते थे तो उन्हें ये इस तरह के अभिलेख नज़र आते जिनकी प्रतिलिपियां बनानी उन्होंने शुरू की। और इसी तरह से जर्मन कई विद्वान भी ये चाहते थे कि हम इस पुरानी लिपि का अर्थ निकालें जिससे भारत के इतिहास का कुछ और ज़्यादा पता चले। तो ऐसा ही एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, जिसने घूम घूम करके जहाँ जहाँ जितने अभिलेख उसे इस तरह की शिलाओं पर मिले वो उसने उन सब की कॉपी की। जैसे आप किसी की नोटबुक से कॉपी करते उसी तरह से उसने पूरे भारत में घूम करके ये सारे के सारे अभिलेखों की कॉपी कर ली। उसने बहुत प्रयास किया जेम्स प्रिंसेप ने कि मैं इनका अर्थ निकालूं। तो काफ़ी प्रयास के बाद में एक दिन ऐसा हुआ, आमतौर पर वो सुबह सुबह अपने जो पहली चाय है वो इन्हीं अभिलेखों की जो प्रतियां अपने घर पर लेकर के आया था नोट करके उनके सामने बैठ करके चाय पीता था, और रोज़ाना सोचता था कि मैं जर्मन लोगों से पहले इनका अर्थ निकालूं, और वो भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करती थी उसी का एक भाग था या कर्मचारी था। तो उसने एक दिन देखा कि एक अभिलेख है वो दो भाषाओं में है और उसमें से एक भाषा यूनानी भाषा है, यूनान जो कि ग्रीक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ की भाषा है, और ये एक अच्छी बात थी कि उसे यूनानी भाषा का ज्ञान था। इस कारण से उसे आगे पता चला कि जो इस भाषा में लिखा गया है ग्रीक में वही बात यहाँ पर क्रोष्टी लिपि में लिखी गई है। ये कंधार में मिला था और कंधार आज के अफगानिस्तान में है, और जिस समय ये लिखा गया उस समय वहाँ पर यूनानी लोगों का शासन था, क्योंकि सिकंदर जब वापस लौट चुका था और उसके बहुत से साथी वहीं पर शासन कर रहे थे। तो इस कारण से जब अशोक का शासन हुआ तो उन लोगों को भी मैसेज देना था, तो उसने ग्रीक यूनानी भाषा में भी लिखा और वहाँ की स्थानीय भाषा जो क्रोष्टी लिपि में लिखी जाती थी उसमें भी लिखा। और एक और अच्छी बात थी कि जो कुछ इनमें लिखा गया था वो भी शेष भारत में ब्रह्मी लिपि में लिखा गया था। तो यहाँ पर ये मज़ेदार है कि जो यहाँ पर लिखा गया है वो अन्य अभिलेखों में ब्रह्मी लिपि में वही बात लिखी गई, तो उसके लिए ये आसान हो गया जानना कि ब्रह्मी लिपि का अर्थ कैसे निकाला जाए। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः दो लिपियों में मिलते हैं,
यूं तो तीन लिपियों में मिलते हैं। अभी अभी हमने जिक्र किया कि यूनानी लिपि, ग्रीक लिपि, दूसरी ख्रोस्टी लिपि जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी, बर्मी लिपि जो कि पूरे भारत में प्रचलित थी। और इसका अर्थ कैसे निकाला, ये देखिए कि आपका जो आज का हिंदी वर्णमाला का कह है उसे बर्मी लिपि में इस तरह से लिखा जाता था। इसका जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ये तोड़ निकाल लिया, अर्थात इसको डीकोड कर दिया। इसी तरह से चे को कैसे लिखा जाता था, ढे को कैसे लिखा जाता था, देखिए दे आज के दे और तब के दे को एक लगभग काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। इसी तरह से मैं को ऐसे लिखा जाता था और रे को इस तरह से लिखा जाता था। तो इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले फिर लिपि को जानना आवश्यक था। 1837 ईस्वी में ये कार्य कर दिखाया जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि जो लिपि बहुत लंबे समय तक जिसे नहीं जाना जा चुका था, जा सका था। सभी लिपियों का मूल जो है आज भारत में, चाहे वो तमिल की लिपि हो, तमिल भाषा की जो दक्षिण भारत में है, चाहे उत्तर भारत में आपकी देवनागरी लिपि जिसमें आप हिंदी संस्कृत पढ़ते हो, बंगाल में जो बंगाली भाषा की लिपि है, गुजरात में जो गुजराती भाषा की लिपि है, राजस्थानी भाषा की लिपियाँ हैं, सभी लिपियों की जो माता है या जिससे उत्पत्ति हुई है वो बर्मी लिपि है। और बर्मी लिपि, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि ये माना जाता है कि बर्मी लिपि की उत्पत्ति बर्मा जी से हुई, और बर्मा जी को हिंदू लोग ये मानते हैं कि इस सृष्टि के वो निर्माता है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर बर्मी लिपि का नाम रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्राचीनतम अभिलेख थे वो बर्मी लिपि में लिखे गए। जैसे आज लिपि का नाम देवनागरी है पर भाषा का नाम आपका हिंदी है, इसी तरह से प्राचीनतम जो आपकी लिपि है वो बर्मी है, लेकिन उस समय में जो सामान्य जन होते थे, जो आम जनता होती थी, वो प्राकृत भाषा बोलती थी, और जो एलाइट वर्ग था, ब्राह्मण क्षत्रिय जो शासन से संबंधित थे, वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो ये संस्कृत भाषा हमेशा से एलाइट और सम्राट और अमीर लोगों की भाषा, या ये कहिए कि विद्वान लोगों की भाषा रही है। जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को 1838 ईस्वी में यहाँ पर लिख रखा है कि डी कोड कर दिया था, अर्थात इसका अर्थ लगा लिया था। इसी तरह से उसने ख्रोस्टी लिपि का भी अर्थ लगाया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अशोक के महान के समय में ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू हुई थी। पहले ये ईरान के राजा इसको लिखते थे, और ईरान के राजाओं ने भारत के कुछ हिस्से, जो ये लगा लीजिए कि उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्से पर जब नियंत्रण किया था, तो वहाँ पर भी कुछ अभिलेख लिखवाए थे। तो वहीं से फिर अशोक ने प्रेरणा पा करके जनता के लिए मैसेज छोड़ने के लिए और मुख्य मुख्य मार्गों पर इस तरह के अभिलेख लिखवाए, और उन पर जो अशोक का नाम मिलता है वो नाम मिलता है देव नाम पिय, अर्थात देवताओं के प्रिय, पियदसी, अर्थात जो पियदसी जिसके दर्शन प्रिय है, अर्थात देखने में जो सुंदर है। तो अभिलेख शास्त्री जो होते हैं वो इनका जो अध्ययन करते हैं कि कैसे पता कि ये सभी जो अभिलेख आप इतने बता रहे हो कि ये सभी अशोक के हैं, अशोक के समय के हैं, उसके द्वारा लिखवाए गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हम अशोक के अभिलेख बता रहे हैं, उनके विषय अर्थात जो उनमें लिखी गई बातें हैं, उनके लिखने की जो शैली है, जो लिखने में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, जो लिपि का प्रयोग हुआ है, ये सभी बातें एक समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभिलेखों को एक ही शासक ने लिखवाया है। तो बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक इतिहासकार ने जो भी अर्थ दिया है क्या वो सही है। इसके साथ साथ जो राजा ने बात वहां पर लिखवाई है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो अंतिम सत्य हो सकता है कि उसने अपनी बढ़ाई और प्रशंसा के लिए ऐसी बातें भी लिखी हो जो कि वास्तव में उस समय में संसार में एग्जिस्ट ना करती हो। तो यहां पर देवनाम पिय अर्थात अशोक का एक कि उन अभिलेखों में क्या लिखा गया है, एक बहुत ही मजेदार बात लिखी गई है। उसने कहा है प्रतिवेदक अर्थात सूचना देने वालों को यह कहा है कि चाहे मैं कहीं पर भी हूं, चाहे खाना खा रहा हूं, अंतपुर में अर्थात महल के अंदर हूं, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाले में हूं, या फिर पालकी में मुझे कहीं पर भी ले जाया जा रहा है, हर समय मुझे जनता की समस्याओं से अवगत करवाया जाए ताकि मैं उनका निराकरण कर सकूं।
इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है कि वो हर समय जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहता था। इसके अलावा अशोक को इस कारण से भी महान कहा जाता है क्योंकि जिस समय में पूरी की पूरी दुनिया युद्धों में संलग्न थी, उसने एक युद्ध के बाद में ये आत्म ज्ञान प्राप्त किया, या ये लगा लीजिए कि वो दुनिया में एक निराला सम्राट था जिसने ये निर्णय लिया, आज तक जो संभव नहीं हो सका है, कि युद्धों से मानवता नष्ट होती है, राष्ट्र के नाम पर, जीत के नाम पर, राजा की इच्छा के नाम पर कभी भी जनता को दुख नहीं दिया जाना चाहिए, मानवता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये राजा की वेदना नाम से लिखा गया है कि जब देव नाम पिय अर्थात अशोक ने अपने शासन के 8वें साल में कलिंग पर हमला किया तो विजय तो प्राप्त हुई लेकिन 1.5 लाख लोगों को निष्कासित किया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ये सब कुछ देख करके देव नाम पिय का हृदय द्रवित हो उठा, अर्थात वो बहुत ही शोक में डूब गया और उसने निर्णय लिया कि आज के बाद में मैं जो ये युद्ध वाली विजय है इसकी जगह धम्म विजय, अर्थात मैं लोगों के दिलों को जीतने वाली विजय प्राप्त करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये अभिलेख लिखा गया है, हर एक इतिहासकार, और आप भी इतिहासकार है क्योंकि आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हर एक की ड्यूटी है कि उसे सावधानी से अध्ययन किया जाए। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति बदल गई, लेकिन यहाँ पर आपको देख करके आश्चर्य होगा कि अशोक के 14 अभिलेख जो कि शिलाओं पर लिखे गए थे, उनमें 14 अलग अलग विषय दर्शाए गए हैं। हर एक शिलालेख में 14 विषय दर्शाए गए हैं और उनमें 13वां जो विषय है वो अशोक की यही बातें लिखी गई है जो कलिंग विजय और उसके बाद में उसने जो धम्म विजय शुरू की थी, अर्थात लोगों के दिलों को जीतने वाली विजय शुरू की थी, उसके बारे में है। ये खास बात ये है कि ये विजय वाली बात ये यहाँ पर कलिंग जगह है और यहाँ पर जो अभिलेख जोगढ़ मिला है, ये जो 13वां अभिलेख है ये यहाँ पर नहीं मिला है, अर्थात जो कलिंग युद्ध की विजय का जो जिक्र है और जो लाखों लोगों के मरने और उसके हृदय द्रवित होने की बात कही गई है, ये इस जगह छोड़ करके बाकी हर जगह पर इनका जिक्र मिला है कि सम्राट का हृदय परिवर्तित हो चुका है, लेकिन जहाँ पर विजय हासिल की वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये अब आपके सोचने का विषय है कि राजा ने वहाँ पर क्यों नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इस विषय पर अवश्य विचार करना। अब हम चर्चा करेंगे कि अभिलेखों के अध्ययन करने में क्या समस्याएं सामने आती है, अर्थात अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं क्या क्या है। तो पहली तो है तकनीकी सीमा, यानी कि तकनीकी कमजोरियां क्या है। अक्षरों का हजारों सालों के बाद में रंग है वो हल्का हो गया है जिस कारण से उन्हें पढ़ना मुश्किल हो गया है। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं और अक्षर लुप्त भी हो सकते हैं। शब्दों का वास्तविक अर्थ उस समय के में उन शब्दों का अर्थ क्या था, इसे जानना काफ़ी बड़ा चैलेंज है और इस कारण से कई हजार अभिलेख है वो अभी तक भी पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भी एक चैलेंज का काम है क्योंकि लिपियों में जो परिवर्तन होते रहते हैं, शब्दों के अर्थों में जो परिवर्तन होते रहते हैं, भाषाओं का जो विकास होता रहता है, उस कारण से अभिलेखों को पढ़ना इतना सरल भी नहीं है। और साथ साथ ही तकनीकी सीमा ये है कि हजारों वर्षों तक धूप छांव, मौसम के परिवर्तन, बारिश, इन सब वजह से इन अक्षरों में इतनी स्पष्टता नहीं रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जब हम अभिलेख पढ़ते हैं, तो ये भी अभिलेखों की एक सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभिलेख अध्ययन की ये सीमा है कि ये राजाओं के द्वारा लिखवाए गए हैं, तो इनमें राजाओं की पसंद के विषय ही डाले गए हैं। आम किसान, मजदूर, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, दुख सुख के बारे में इनमें नहीं लिखा गया है, जो कि आज के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज का जो युग है वो लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के युग में सभी लोग राजा है। इसलिए अब हम इतिहास लिखने में ये विशेष सावधानी बरतते हैं कि ये इतिहास है केवल राजाओं, महाराजाओं, एलाइट और बड़े लोगों का ही ना हो। इस कारण से आप देख रहे होंगे, हमारे अध्यापक साथियों से भी निवेदन है कि आप भी इतिहास को नए नजरिए से देखिए। इतिहास रोजाना बदलता रहता है,
कैसे बदलता रहता है, जैसे जैसे युग में नई बातें आती जाती है वैसे वैसे इतिहास बदलता जाता है। तो आज का युग लोकतंत्र का युग है, आज का युग मानवता का युग है। इसी कारण से हम अशोक की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने मानवता को सर्वोपरि रखा और उसने शांति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उसने आम जन को बहुत महत्व दिया। इस कारण से हम अशोक को आज महान मानते हुए, इसी कारण से आज हमने अशोक का हमारे देश का जो राज चिन्ह है वो लिया है, क्योंकि हमारे देश की जो आइडियोलॉजी है वो अशोक महान की आइडियोलॉजी से मैच खाती है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि अभिलेखों का अध्ययन करते समय ये भी दिक्कत आती है कि इन्हें राजाओं महाराजाओं या बड़े लोगों ने लिखवाया, इसलिए इनमें आम लोगों के बारे में जो हम इतिहास में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं है। आगे देखिए कि अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इन्हें बनवाया, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता। इसी तरह से आगे जो इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे, यानी शुरुआत में तब जब इनका अध्ययन किया गया। लेकिन आज जो हमारा इतिहास के विषय का इंटरेस्ट है वो बदल गए हैं। आज हमारी रुचि का विषय है, हम यहाँ तक चाहते हैं कि हमारे पेड़ पौधे वनस्पति बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम ये सब कुछ बचा रहे और ये सब खुशहाल और आबाद रहे, सभी मानव प्रेम पूर्वक रहें। तो इस कारण से इन इतिहास के जो अभिलेख है इन्हें पुनः अध्ययन करने की ज़रूरत है, और ये ड्यूटी अब आप भावी पीढ़ी जो अब इतिहास के अध्ययन की शुरुआत करती है, ये केवल पुरानी पीढ़ी के इतिहास के अर्थ ना ले बल्कि नए संदर्भ के इतिहास और नई ज़रूरतों के इतिहास के हिसाब से इनकी पुनर्व्याख्या करें। इतिहास लगातार बदलता रहता है, आप ये मत मानिए कि इतिहास वही है, बल्कि इतिहास आज और अतीत के बीच में एक संवाद है, ये लगातार चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारा आज परिवर्तित होता है, उसके साथ साथ हम अतीत के अर्थों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।